हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज़ अमृता, योर लॉ फैकल्टी एट आई एग्जाम बी। इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IBPS SO लॉ ऑफिसर वेकेंसीज। बिफोर वी स्टार्ट विद आर डिस्कशन, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल लीगल बी। लीगल बी एक्सक्लूसिवली लॉ चैनल है आई एग्जाम बी का, फॉर ऑल लीगल एग्जाम प्रेपरेशन कोर्सेज डिटेल्स एंड वॉट नॉट। सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब, एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, hello@iexambi.com पर भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके आपके क्वेरीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हो। आई एग्जाम बी पर ज़रूर विजिट करना, www.iexambi.com। वी आर हैविंग एक्साइटिंग थिंग्स फॉर ऑल एग्जाम प्रेपरेशंस। IBPS की अगर बात करें तो IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आया है एंड इट इज़ इन डिस्कशन एवरीवेयर। मैं जो एक टॉपिक आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी विद अ वेरी एनालिसिस विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। सो डू वॉच इट, एंड नोटिफिकेशन इज आउट। वेकेंसीज बहुत कम हैं, देर आर ओनली 10 वेकेंसीज फॉर लॉ, एवरीबडी हैज सीन दैट। इसे देखकर काफ़ी स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट हुए हैं एंड दे फील दैट वी हैव वेटेड फॉर 1 ईयर एंड वी हैव जस्ट रिसीव्ड 10 वेकेंसीज इन हैंड। सो क्या ये वेकेंसीज इंक्रीज होंगी? कुछ लोगों के माइंड में है कि फॉर्म ही ना भरें, बट लेट मी सजेस्ट यू, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एंड आई हैव एन एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन प्रूफ फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज। अल्टीमेटली तो कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई एनालिसिस है जिससे आपको प्रूफ बेस्ड, दैट मीन्स प्रूफ क्या हो सकता है, नोटिफिकेशन से बड़ा प्रूफ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो नोटिफिकेशन के अंदर ही है, जो जिन जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो। उससे पहले IBPS SO लॉ ऑफिसर कोर्स है आई एग्जाम बी का, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम 2022-2023 के लिए वी हैव एन एक्सक्लूसिव कोर्स दैट हैज़ द बैच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड 52% ऑफ इज गोइंग ऑन दैट। So do avail the discounts that are going on right now. And one more update I need to give you. Our iExambi is coming up with something new and something very special for all the IBPS SO aspirants. So stay tuned to iExambi for that purpose. चलिए start करते हैं। ये नोटिफिकेशन का एक क्लिपिंग है जो मैंने आप लोगों के लिए पिक किया है, विच यू नीड टू रीड वेरी केयरफुली। दिस इज फ्रॉम द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाला जो नोटिफिकेशन है, दैट ओनली। व्हाट दे हैव टोल्ड यू दैट हुएवर एस्पायर्स टू जॉइन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जो लिस्ट ए में दिए गए हैं, कौन से बैंक्स हैं वो हम लोग जल्दी देखेंगे, एज वन ऑफ द SO कोई भी हो, ये जनरल है, ये सारे फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, हमें लॉ ऑफिसर के बारे में अप्लाई करके लेना है। इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एग्जामिनेशन विल बी 2 टायर ऑनलाइन, प्रिलिमिनरी ऑनलाइन मेन। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर दैट, दे विल बी अपियरिंग फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन। सब्सिक्वेंटली दे विल बी कॉल्ड फॉर अ कॉमन इंटरव्यू प्रोसेस that will be conducted by whom? By the participating banks and that will be coordinated by the nodal bank. यहाँ तक तो सबको सब कुछ क्लियर ही है। Now vacancies की जो बात है, ये इन्होंने बोल्ड में हाईलाइट किया हुआ है, depending on the final vacancies to be filled during the financial year 2023-2024 based on the business needs of the participating banks and as reported to the IBPS at that time. Reported candidates shortlisted will be provisionally allotted to one of the participating banks, keeping in view the spirit of government guidelines, reservations, etc. So ये जो बात इन्होंने यहाँ पे कही है, इसका क्या मतलब निकलता है कि ये जो vacancies है ये final नहीं है। Depending on the final vacancies that will be filled when? In the financial year. Financial year कब से start होगा? April से start होगा. So April 2023 to 2024 वाला जो financial year है, वहां उस समय पर जितने भी participating banks हैं, उनके business requirements and उस समय की स्थिति के हिसाब से वो banks जो उस समय report करेंगे IBPS को,
वो फाइनल वैकेंसीज होंगी। सो अभी जो वैकेंसीज हैं दीज आर नॉट योर फाइनल वैकेंसीज, ये बात यहीं पे क्लैरिफाई हो जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट आर जस्ट 10, डोंट जस्ट गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज देर इज लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। गिव योर 100% फॉर द एग्जाम एंड द वैकेंसीज आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज इन 2023। इंडिकेटिव कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, ये भी उन्होंने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है। इंडिकेटिव कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ऑफ ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिव बैंक्स फॉर ईच पोस्ट आर गिवन इन द एनेक्सर वन, वी विल सी दैट इन द एनेक्सर वन एज वेल। रिक्रूटमेंट इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड डिपेंड्स अपॉन रेस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज एट दैट टाइम। बिजनेस वॉल्यूम कितना होता है बैंक्स का, बिजनेस ग्रोथ कितनी है, बैंक्स की हेल्थ, ब्रांच का कितना एक्सपेंशन होता है उस समय, काफ़ी सारे फैक्टर्स एंड चेंजेस हैं। सो दीज मेंशन्ड वैकेंसीज आर जस्ट इंडिकेटिव एंड एंटिसिपेटेड एज कम्युनिकेटेड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो ये सिर्फ इंडिकेटिव वैकेंसीज हैं और ये किसने एंटिसिपेट की है, पार्टिसिपेटिव बैंक्स ने एंटिसिपेट की है। सो ये जो आपका अलॉटमेंट होगा दैट विल बी मेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। सो ये एक इंडिकेटिव फिगर बैंक्स ने दिया हुआ है एंड देन आफ्टरवर्ड्स एक्चुअल फिगर ऑफ वैकेंसीज विल बी गिवन बाय द बैंक्स लेटर ऑन एंड द प्रोविजनल अलॉटमेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल दैट इज द एक्चुअल वैकेंसीज। सो इंडिकेटिव पे कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। अभी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए इंडिकेटिव देना जरूरी है, सो दैट हैज बीन डन। वन मोर प्रूफ इज वेटिंग फॉर यू, ये तो है ही, इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि फाइनल वैकेंसीज नहीं है। अभी हम लोग पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देख लेते हैं कौन से हैं। देर आर अराउंड यू कैन सी 11 बैंक्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इस लिस्ट के हिसाब से, कितने 11 बैंक्स। सो ये जो 11 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम आप लोग देख लीजिए ध्यान से, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, देन कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड UCO बैंक। तो ये सारे बैंक्स हैं जो एक्चुअल वैकेंसीज रिपोर्ट करेंगे लेटर ऑन एंड आपका जो भी प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दोज वैकेंसीज दैट आर गिवन। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। नाउ लेट अस सी द एनेक्सर वन, जो इन्होंने पहले बात की थी एनेक्सर वन। एनेक्सर वन प्रोवाइड्स व्हाट, नोटिफिकेशन का ही पार्ट है एनेक्सर वन, नोटिफिकेशन का पार्ट है। फर्स्ट एनेक्सर में वैकेंसीज दी है हर एक पोस्ट के हिसाब से। ये लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज मैंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं, यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स ओवर हियर 11। लेकिन आपने यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं, बाकी सारे बैंक्स ने क्या किया है, यू कैन सी 0000 दिया है कुछ बैंक्स ने, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं किया है। NR का मतलब क्या होता है, नॉट रिपोर्टेड। सो यू कैन सी वॉट इज द मीनिंग ऑफ NR, NR मीन्स नॉट रिपोर्टेड, दैट मीन्स दे हैव नॉट प्रोवाइडेड द वैकेंसीज, द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू IBPS एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सो दैट हैज नॉट बीन रिलीज। ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा हैज प्रोवाइडेड इट्स वैकेंसीज दैट आर 1+2+1+6 दैट इज इक्वल टू 10। सो टोटल वैकेंसीज उन्होंने जाहिर कर दी हैं कि 10 है, तो ये फाइनल नहीं है। जब ये नॉन रिपोर्टेड बैंक्स, नॉन रिपोर्टेड वैकेंसीज दी जाएगी, जो बैंक्स ने वैकेंसीज नहीं दी हैं अभी तक, जो 00 है उसका नहीं कह रही हूँ मैं, जो NR आपको दिख रहा है इस टेबल में, आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके भी एनालाइज कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के साथ PPT है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यू कैन गेट एन आइडिया दैट दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव नंबर। सो दिस इज वन मोर थिंग। So these things you need to keep in mind that vacancies will increase, so don't get demotivated. This is what I wanted to discuss with you. And ek vacancies chahe ek ho ya 10 ho ya 50 ho ya 500 ho, what matters is that you have to give your 100% for one post. Aapko appoint hone ke liye sirf ek jagah ki zarurat hai. Keep that in mind and give your 100% and don't get demotivated. Fill the form and go ahead. Very good luck to everybody who aspires to become a law officer. And don't forget to subscribe. Prepare 50% faster with iExamB. Thank you, everybody.